हेलो हेलो, चलो अगर ये काम नहीं आया तो दूसरे काम तो आ ही जाएगा। मिट्टी बहुत देख देख वहां से स्माइल कर रही है। तो ये जो है इसका काम ये है कि जब आपका बर्तन गर्म हो जाए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं कहाँ खड़ी हूँ अपने किचन में, ये देख के आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आज मैं कुछ किचन से रिलेटेड या तो कुछ मैं चैलेंज वीडियो या फिर कुछ वायरल टेस्टिंग हैक्स कुछ ऐसा करने वाली हूँ। तो हाँ, आपने गेस सही किया है, ऐसा ही कुछ है पर थोड़ा सा अलग। ये तो आज मैं करने जा रही हूँ कुछ किचन टूल्स को मैं टेस्ट कुछ किचन टूल्स को मैं टेस्ट करूँगी कि वो सच में काम करते हैं या नहीं। मैंने चार पांच चीज़ें मंगाई हुई हैं, अमेज़ॉन से ही मंगाया हुआ है ये, काफ़ी टाइम से मंगा के रखा हुआ था मैंने। वन बाय वन वो आ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो आज इसके ऊपर वीडियो बना ही देते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है वो है ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं कहीं इंटरनेट पे वीडियो में इस टूल को ज़रूर देखा होगा। ये है एग कटर। तो मुझे ये बड़ा, मतलब जब भी जितनी बार भी मैंने देखा होगा, लेकिन जैसे ही आप स्क्रॉल करो ये वीडियो आता है, मैं रुक के ज़रूर देखती हूँ। पता नहीं, मुझे बड़ा सेटिस्फाइंग सा फील होता है जब ये एग ऐसे रखते हैं और कट करते हैं। लेकिन मुझे ये जानना था कि सच में अगर मैं भी अपने किचन में ये करूँ तो ये इस तरह से कट होता है कि नहीं। तो चलिए आज देखते हैं कि ये सच में वैसा कट हो रहा है कि नहीं। तो वहाँ से मैं निकाल लिया है और ये इस तरह के कुछ पैकेजिंग में आया था। तो उसके अंदर है ये, देखिए कलर इसका है पिंक एंड वाइट, अगर दिख रहा हो क्लियर तो पिंक एंड वाइट में है। और ये इस तरह से ओपन हो जाता है और इसमें ये बहुत ही पतले पतले से वायर इस पिंक वाले पोर्शन में है। मैं टच नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता ये कितना शार्प है, कहीं मेरी उंगलियों को ना ले डूबे। तो बस इस पे यहाँ पर एग को प्लेस करना है और कट। तो अब मैं देखती हूँ कि ये सच में कटता है कि नहीं। इसके लिए मैंने एग बॉईल करके रखा हुआ है, चलिए ट्राई करते हैं इस हैक को। एक अंडा जो कि मैंने छिल लिया है, जो बहुत अच्छे से छिला भी नहीं है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने इसको खोल लिया है। इस एग को प्लेस करने के लिए ये जगह बनी हुई है तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। बहुत अच्छे से फिट भी आ गया है, बिल्कुल एग के साइज़ का ही है। तो चलिए मैं इसको कट करती हूँ। 1 2 एंड 3। वाओ, ये तो बहुत अच्छे से कट गया। अब मैं यहाँ से इसे निकाल लेती हूँ और ये देखते हैं कितना, वाओ बहुत अच्छा कट हुआ है। मेरा एग बहुत अच्छे से बॉयल नहीं था। एनीवेज ये देखिए, अगर आपको मतलब प्लेट में अपना ब्रेकफास्ट प्लेट जो है उसको डेकोरेट करना है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिसे आपको इस तरह से खिलाना पड़ता हो सजा धजा कर अपने प्लेट्स को, तो ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है ये। और ठीक है, और मुझे नहीं पता इसमें ट्राई करें क्या कि कुछ और भी कटता है कि नहीं। मेरे पास एक बॉयल आलू भी है, आई मीन पोटैटो भी है, उसे भी देखते हैं कि वो कट होता है कि नहीं। तो ये रहा कटर और ये रहा मेरे पास एक बॉयल आलू, जिसे कि मैंने इसका स्किन निकाल दिया है। तो इसे मैं प्लेस करती हूँ, बिल्कुल ये बिल्कुल फिट, वैसे एग के जैसा तो फिट नहीं आया है क्योंकि ये पर्टिकुलरली एग के लिए बना है, तो एग फिट हो गया। तो चलिए देखते हैं इसे कट करके कि ये कट होता है कि नहीं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसे प्रेस करना पड़ा जोर से, बट ये कट हो गया। अब इसे यहाँ से देखते हैं कि इसके स्लाइसेस कैसे दिख रहे हैं। तो ये रहा मेरा ट्रे और इसके स्लाइसेस मैं देखूं, बहुत अच्छे से कट हुआ है ये। पता है ये मैं, मुझे ना आलू के पकोड़े बहुत पसंद है, जैसे इसे बेसन के बैटर में डिप करके फ्राई कर लिया और मुझसे ना इवनली एक साइज़ के आलू कटते नहीं हैं, तो ये मेरे उस काम बहुत अच्छे से आने वाला है। और मुझे लग रहा है कि आलू और एगर कट हो गया है तो इसके इसमें टमाटर और दूसरी सॉफ्ट चीज़ें भी कट सकती हैं, तो ये बहुत काम आने वाला है मेरे किचन में। तो इसे मैं दूंगी बिग थम्स अप, ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे इसके वीडियोस भी आज तक सारे अच्छे लगते थे और ये प्रोडक्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो पहला प्रोडक्ट तो बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, मैं लेकर आती हूँ नेक्स्ट जो है वो है ये, इसे कहते क्या हैं, अनियन कटिंग ही मेनली है।
ऐसे तो जो किचन में काम करते हैं, जैसे कि मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में ही जाता है, तो मेरी चॉपिंग जो है वो बहुत फास्ट है, मुझे ऐसे टूल्स की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे चेक करना था, जैसे मान लो कि मैं नहीं हूँ और जय जय को बिल्कुल भी कटिंग चॉपिंग नहीं आती है, तो इनकेस अगर इमरजेंसी में कभी उनको कुछ बनाना पड़ा तो ऐसे वो देख के बहुत खुश भी हो रहे थे, बोल रहे थे कि ये मैं यूज़ करूँगा, इससे मैं कट करूँगा। तो ये मेनली ये है कि आप इसे प्लेस कर लो, जिससे जिस चीज़ को भी आपको कट करना है उसके बाद आप नाइफ़ से कट करो। तो जितना स्मूथ ये बोलने में है या दूसरे वीडियोस में देख के लगता है, चेक करते हैं कि सच में इतना स्मूथली कटता है क्या, और कटता भी है तो टाइम कितना लग जाता है, ऐसा ना हो कि एक अनियन कट गया उतनी देर में हमारी कढ़ाई जल गई। तो इसके लिए मैं लेकर आती हूँ एक अनियन। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट और ये रहा एक अनियन जिसे मैंने छिल लिया है। तो अगर ये अनियन के लिए मेनली डिज़ाइंड है तो अनियन पे ही पहले इसे ट्राई करते हैं। तो ये रहा एक चाकू मैं जनरली जो रेगुलर यूज़ करती हूँ, और सबसे पहले इसे प्लेस कर देंगे कुछ इस तरह, अगर आपको कैमरे में अच्छे से दिख रहा हो, मैंने इसे प्रेस करके इस तरह से प्लेस कर दिया है। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये रहा और इसे मैं अब कट कर रही हूँ। तो इसे कट ऐसे करना है कि इसके सारे गैप्स के बीच में बस इसको रखते जाना है। हाँ भाई, यूज़ तो ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली कट गया है। तो ये जिस चीज़ के लिए डिज़ाइंड है, इसका जो पर्पज़ है, ये अपने पर्पज़ को कम्प्लीटली फुलफ़िल कर रहा है। तो ये टूल को भी मिलता है बिग थम्स अप। और जैसा मैंने कहा कि इसमें अनियन के अलावा आप कुकम्बर हो गया, बनाना हो गया, दूसरी कोई भी चीज़, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है अगर आपको इवनली इस तरह से चॉप करना है। टूल है हमारा, वो दोनों का पर्पज़ जो है वो सेम है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ ही मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो दोनों का पर्पज़ सेम है तो दोनों को मैंने एक साथ यहाँ रख लिया हुआ है, बस शेप और डिज़ाइन अलग है। तो मुझे बस ये देखना है कि दोनों में से अच्छा वर्क कौन करता है, और वो मैं रखूँगी और दूसरा जो है वो रिटर्न कर दूँगी। तो पहले मैं दिखाती हूँ इसे, क्योंकि ये ओपन है इसलिए मैं पहले इसे दिखाती हूँ, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर वो इसी तरह के एक छोटे से प्लास्टिक बैग के अंदर ये डला हुआ आया था। तो ये मैं निकालती हूँ और ये देखिए, ये कुछ ऐसा है। हेलो 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 मिकी, हेलो हेलो। तो देखते हैं कि मेरी बेटी बहुत खुश हो रही है। तो हेलो हेलो, चलो अगर ये काम नहीं आया तो दूसरे काम तो आ ही जाएगा। मिट्टी बहुत देख देख वहाँ से स्माइल कर रही है। तो ये जो है इसका काम ये है कि जब आपका बर्तन गर्म हो जाए तो इन दोनों की हेल्प से आप उसे पकड़ के उठा सकते हैं। तो इनका यूज़ यही है। तो इनका यूज़ ये है कि आप इसे अपने हैंड में इस तरह से पहन लो, ये पीछे ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसमें ये चला जाएगा, ये चला गया, और फिर दोनों हाथ में आपको इस तरह पहन लेना है। और तो चेक करते हैं कि ये काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखा जाए कि ये काम कर रहा है कि नहीं। हाँ जल्दी चलो चलो चेक करते हैं। यूज़ होता है किचन में इस तरह का, क्योंकि आजकल जो भी कढ़ाई आती है उसमें साइड में प्लास्टिक के जो हैंडल होते हैं, तो उसमें आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं वो कढ़ाई पैन ये चीज़ें मैं लेके नहीं आ रही हूँ। जिन बर्तन में ज़रूरत पड़ेगी मेनली, मैं वही बर्तन पे इसको यूज़ करने जा रही हूँ। तो ये रहा और ये रहा, ठीक है। और ये सिलिकॉन के हैं तो ये गर्म नहीं होंगे और ये काफ़ी थिक हैं। अब देखिए, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है, उठ जा रहा है क्योंकि अभी ये खाली है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि इसकी जो एज है, ये जो ऐसी बनी हुई एज है ना, इस पे इसकी ग्रिप में भी अगर ये भारी होगा तो ये स्लिप कर सकता है, क्योंकि ये भी थोड़ा थिक ही है। तो अगर ये बिल्कुल बिल्कुल सीधा प्लेस सिंपल सा होता, ये वाला चीज़ इसमें डिज़ाइंड नहीं होता, तब इससे पकड़ना ज़्यादा आसान था। किचन में एक ये है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ऐसा ये बहुत देसी सा बर्तन है, बट मेरे पास है और इसे मैं मतलब रोज़ के कुकिंग में एक बार कुछ से ना किसी रीज़न से ये निकल ही जाता है। तो
ये देखिए, इसके लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है ना, तो ये ऐसे पकड़ने में बन रहा है, अब बिल्कुल भी कंफर्टेबल मुझे फील नहीं हो रहा है इसे पकड़ने में, ना आप इसे ऐसे पकड़ सकते हैं, ये गिर सकता है और ये ऐसे गिर सकता है। और मुझे लगता है इंडियन किचन में ना इस तरह के एक दो बर्तन तो होते ही हैं। अगर आप मेरे अपने घर की, मैं अपने ससुराल की बात करूँ, अपने मायके की बात करूँ, वहाँ तो काफ़ी है इस तरह के, उस पर कभी दाल कुक होता है, चावल कुक होता है, तो इस तरह के बर्तन के लिए ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। सॉरी। और एक और लास्ट बर्तन पे ट्राई करें। इसमें तो ऐसे ये हैंडल दिया हुआ है, ये आप देखो इसमें हैंडल है ऑलरेडी, बट ये हैंडल जो है ये गर्म हो जाते हैं, तो इससे पकड़ने के लिए मुझे क्लोथ का यूज़ करना पड़ता है इसे पकड़ने के लिए। तो देखती हूँ, ये देखिए ये इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, अगर आप इसको सिंपली ऐसे पकड़ते हैं हाँ ठीक है, ये यूज़फुल है, पकड़ सकते हैं, इससे ग्रिप अच्छा बन रहा है, इसके लिए बहुत सही ग्रिप बन रहा है। मैं इजीली, इसमें बड़ा बर्तन है, इसमें पूरा ऊपर तक भी भरकर कुछ बनाती हूँ तो भी ये मैं इसे पकड़ सकती हूँ। तो इस तरह के अगर आपके पास बर्तन हैं तो आप ये ले सकते हो, बट इस तरह के बर्तन पर ट्राई ना करें, रिस्क। इन्हीं के जो दूसरे भाई है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इसके साथ, भले ये किचन में यूज़ ना हो, लेकिन ये इस तरह पॉकेट टॉक की तरह मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ, मुझे सही में बहुत मज़ा आ रहा है। एनीवेज, तो मैं इसे हटाती हूँ और देखती हूँ, चेक करती हूँ दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है जिसका पर्पस सेम है, उसे करते हैं। अंतर है वो ऐसे दो आया है और वो शेप में आप देख सकते हो कि ऐसे सर्कल का है, ये भी सिलिकॉन के ही बने हुए हैं, ये देखिए। और इसमें बहुत अच्छी चीज़ मुझे जो अच्छी लगी, ये हैंग हो सकता है, आप इसे यूज़ कर लो और कहीं पे इस तरह से हैंग करके रख दो। तो मैं दोनों ही निकालती हूँ पहले। मैंने जस्ट ऑर्डर कर दिया रैंडमली, यही कलर मेरे पास आ गया, ऐसे ये कलर मुझे अच्छे लग रहे हैं, कुछ बुरा नहीं है। तो इसे बस आपको इस तरह से पकड़ना है, और ये भी काफ़ी थिक है, बट इसका दूसरा एक और यूज़ है कि आप जैसे आपके डाइनिंग टेबल है, वुडन डाइनिंग टेबल है, आपको कुछ गर्म रखना है तो आप उसे ये रखो और उसके ऊपर आप गर्म चीज़ें रख सकते हो। तो इसका सेकंड यूज़ एक ये भी है, तो इसलिए ये मल्टी यूज़ हो जाता है इसका। तो आप चेक कर लेते हैं, अगर ये अपना जो मेन पर्पज़ है उसे फुलफिल कर लेता है तब बर्तन था, उसे मैं यहाँ लाती हूँ और ये रहा, और ये पकड़ना है सही। ये बिल्कुल जैसा आप नॉर्मल क्लोथ यूज़ करते हो घर में, या फिर जो माइक्रोवेव ग्लव्स जो होते हैं, बस वैसा ही फील दे रहा है ये, ठीक है। और इसका जो आपका ये डिज़ाइन बना हुआ है इस पर, तो इसकी वजह से ये ग्रिप अच्छा बनता है, ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से स्लिप कर जाएगा, इसकी वजह से आपकी जो हाथ है उस पर बहुत अच्छा ग्रिप बन रहा है, ये नहीं छूटने वाला है। आप इसे बहुत, मुझे तो बहुत ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि आप यूज़ टू होते हो, अगर आप इंडियन किचन में काम कर रहे हो तो आप बहुत यूज़ टू हो इस तरह से उतार कर रखना और चढ़ाना, इसके लिए तो बहुत सही है। यही है, क्योंकि वो भी पहला जो हमारा प्रोडक्ट था इसी बर्तन पर फेल हो गया था, तो इस पर ट्राई करते हैं, ये इसके लिए सही है, क्योंकि ये इसके अगर आप देखो जब मैं पकड़ती हूँ तो ये इसके अंदर चला जाता है, ये देखिए, और ये भी चला जाता है जो कि उस वाले में नहीं हो रहा था। तो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा यूज़फुल है पहले प्रोडक्ट से। लास्ट वाला भी ट्राई कर लेते हैं जिसमें ये हैंडल के साथ ये बर्तन था। ऑब्वियसली बहुत आराम से, बहुत ईजिली आप, और इसे आप जैसे मोड़ोगे ये मुड़ जाएगा और ये ख़राब नहीं होने वाला है, खोलते ही ये इस तरह से खुल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट जो है ये मुझे ज़्यादा पसंद आया है, मैं इस वाले को सिलेक्ट करूँगी अपने किचन के लिए। और इसका दूसरा बहुत अच्छा यूज़ है कि आप इसे प्लेसमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने गर्म बर्तन को यहाँ इस पे रख सकते हैं। और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी ऐसा नहीं है कि आप अपने डाइनिंग टेबल पे इसे रख रहे हो तो ये सुंदर नहीं दिख रहा है, गंदा सा दिख रहा है, ऐसा नहीं है, ये अच्छा ही जाएगा। अगर आपने कलर अपने पसंद के अकॉर्डिंग कलर इसकी ले लेती हूँ, इस वाले को मैं ज़्यादा पॉइंट देती हूँ। और एक जो इसका पर्पज़ नहीं है, पपेट की तरह मैं इसे ज़्यादा पसंद, मैंने मतलब मुझे अगर ये रखना होगा ना तो ये मैं शायद मैं मीठी के लिए रख लूँगी, वो इससे बहुत खेलने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसे करने में बहुत मज़ा आ रहा है। बस यहाँ दो आईज़ ऊपर लगा देने होंगे, कॉटन बॉल्स चिपका दो और ये एक मेंढक बन जाएगा, और कलर भी मेंढक वाला ही है। एनीवेज, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। और नेक्स्ट टूल जो है उसका मैंने वीडियो पहले ही शूट कर लिया है,
तो मैं आपको बस वो दिखा देती हूँ और उसका वीडियो मैं साइड में लगा देती हूँ कि उसे मैंने यूज़ किया तो उसकी क्या। नेक्स्ट टूल है, मैंने इसे अनपैक पहले कर लिया है, वो है ये। तो ये एक मतलब चॉपर की तरह ही है। मतलब इसमें क्या होता है, मैंने इसे ऑर्डर इसलिए किया हुआ था ना क्योंकि मेरा एक और चैनल है कुकिंग का, तो उसमें आप कोई भी जो डिश है उससे डेकोरेट करने के लिए मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छे वो ग्रास की तरह कटकर कुकुम्बर हो गया, कैरेट हो गया, अनियन हो गया, इन सब के वो सारे ग्रास की तरह क्या बोलते हैं पतले पतले स्लाइसेस निकल आएंगे और वो डेकोरेशन में यूज़ हो जाएगा। बट इसे यूज़ करना सुपर टफ है। मैंने बहुत ट्राई किया ऑन कैमरा, कैमरा के बाद भी, कैमरा बंद करने के बाद भी, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे चाहिए था ये, और ये बिल्कुल भी काम नहीं किया। अगर आप वीडियो में देख सकते हो तो मेरी बुरी हालत हो गई थी इसे। और सबसे बड़ी बात है वेस्टेज, जो भी है पूरा कुकुम्बर ख़राब हो गया। मैंने जो इसमें जैसा इसमें दिया हुआ है कि बीट रूट थोड़ा हार्ड होता है, मैंने स्टार्ट बीट रूट से ही किया, बीट रूट तो बिल्कुल भी नहीं जमा। मैंने सॉफ्ट चीज़ों को भी ट्राई किया, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो ये इसके लिए थम डाउन, ये बिल्कुल भी सही प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है। इस अगर आपको अमेज़ॉन पे ये दिखे तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी नो, बट बाकी के प्रोडक्ट अच्छे हैं। अब मैं लास्ट एक जो अपना टूल दिखाने जा रही हूँ, ये मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, बट मैं किचन टूल ही है तो मैं अपने इस वीडियो में कवर कर लेती हूँ उसको। और मुझे लगता है कि आज कल अगर लगभग सभी के किचन में ये टूल दिख ही जाता है। तो मैं पहले एक वेजिटेबल चॉपर, और मुझे लगता है कि ये सबके किचन में अलग कलर में, अलग ब्रांड के, अलग शेप एंड साइज़ में, बट ये होता ज़रूर है। और मैं तो सच में इसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत, मैं रेगुलर इसको यूज़ करती हूँ और धड़ल्ले से, ऐसा नहीं है कि इसे धीरे धीरे ऐसे पूरा रफली इसे यूज़ कर रही हूँ, बट इसे कुछ भी नहीं हुआ है। और ये इसका जो ब्रांड है ये पिजन ब्रांड का है, और इसमें किसी भी तरह के जो वेजिटेबल्स है आप डाल लो और ये फटाफट चॉप हो जाते हैं। मैं थोड़ा दिखा भी देती हूँ, बट इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है कि है वो मैं आपको बता दूँ। उसकी छोटी सी प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे मेरे घर में मैं हूँ और जय हैं, तो मुझे कभी कभी ना बहुत थोड़े अमाउंट में कुछ जो है चॉप करना होता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें 2-3 मिर्च डाल दूँ या सिर्फ एक छोटे साइज़ का अनियन डाल दूँ या थोड़े अमाउंट में कुछ भी डालूँ ना, तो वो चॉप नहीं हो पाता है। अगर आप इसमें भरते हो या हाफ या फुल तक, या अगर इसे आप पूरी भर देते हो तब ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। मैं उसी अनियन को यहाँ यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये इसका अमाउंट जो कम है, ये छोटा सा अनियन था तो इसे अगर मैं कट करूँगी तो ये पूरी तरह से कट नहीं होगा, थोड़े बड़े बड़े स्लाइसेस में कट होगा। तो मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखो आप, ये कट तो हो गया है बट ये थोड़े बड़े बड़े पीसेस हैं, तो ये इससे छोटे नहीं कट करेंगे। अगर मैं इसे और ज़्यादा अनियन डाल देती हूँ तब ये बहुत बहुत ही फाइन चॉप हो जाते हैं, और आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना है। आपको घंटों लेकर के अगर कुछ बना रहे हो तो ये धीरे धीरे कट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप फटाक से इसमें डालो और ये कट हो जाता है। इसलिए मुझे ये वेजिटेबल चॉपर बहुत पसंद है। अब मैं इसमें थोड़ा और कुछ भर के दिखाती हूँ कि कैसे चॉप होता है। इसमें अनियन था और ये मैंने थोड़ा सा कैबेज लिया हुआ है, तो इसको मैं ये बड़े बड़े ब्लॉक्स में मैंने कट कर दिए। अब इसे जस्ट इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, अब ये ऑलमोस्ट फुल हो गया है। अब इसका मैं, ये रहा लीड, ऐसे लगा लिया। अब ये देखिए कितना फाइन चॉप है। ये देखो,
ये देखिए कितना फाइन चॉप हुआ है, कोई मेहनत नहीं है, जस्ट इसमें डालो। तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल किचन में ये जो वेजिटेबल चॉपर है वो लगभग सबके घर में है, तो अगर आप नहीं हैं तो आप जल्दी से ले आओ, क्योंकि ये आपका बहुत सारा टाइम सेव करने वाला है। तो मुझे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसे लगभग रोज़ यूज़ करती हूँ। तो ये थे मेरे सारे किचन टूल्स। तो आप लोगों को कौन सा टूल ज़्यादा पसंद आया आप बताना। सबके लिंक्स तो मैं आप डेफिनेटली डाल दूँगी, बट सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ऐसा था जिससे मैं खुश नहीं हुई हूँ, अदरवाइज़ मुझे सारे एक्चुअली मैंने दो चीज़ें मंगाई थी जिसका सेम पर्पज़ था, तो मुझे ऑब्वियसली कंपेयर तो करना ही था। तो कंपेयर करने की वजह से मैंने इससे चूज़ किया है, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है और मुझे रिव्यू दोनों के ही अच्छे मिले थे। तो इसे मैं रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि रख के कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही चीज़ ये वाला ही मैं रखूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहुत यूज़फुल है किचन के लिए। तो फिर ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें कि मैंने एक किचन टूल हैक्स के ऊपर बनाया है, और भी कुछ अलग वियर्ड टूल्स भी मैं लाने वाली हूँ। कुछ मेरे ऑन द प्रोसेस है, मतलब आ रहे हैं धीरे धीरे वो अमेज़ॉन से। तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगी कुछ और टूल्स को लेकर, सिर्फ किचन के टूल्स नहीं दूसरे टूल्स भी होते हैं तो उनके ऊपर ही बनाऊँगी। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, प्लीज़ शेयर कर दे, प्लीज़ कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ 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 कर दें। और मैं यार जो और मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये रहा, और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तो फिर से मैं मिलती हूँ विद अ न्यू ब्लॉग, विद अ न्यू जो भी हो, विद अ न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और ख्याल रखिए सब अपना। बाय बाय।